व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आप देख सकते हैं आपको यहाँ एनएसबी पिक्चर्स के प्रीसेट मिलेंगे, रोहित एडिटिंग्स के भी प्रीसेट मिलेंगे और तकीर एडिट्स के, जिस तरह के आप चाहते हैं दीपक क्रिएशंस के भी आपको प्रीसेट मिलेंगे। तो इन प्रीसेट को यूज करके जस्ट वन क्लिक में आप अपनी फोटो का कलर चेंज कर सकते हैं। किसी भी कलर टू में आप अपनी फोटो का कलर जस्ट वन क्लिक में चेंज करके अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। आज के जो प्रीसेट है बहुत ही स्पेशल प्रीसेट है, जस्ट वन क्लिक में आपकी फोटो को एडिट करेंगे। किसी भी कलर टू में आप अपनी फोटो का कलर जस्ट वन क्लिक में चेंज कर सकते हो। तो इन प्रीसेट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन इसकी फाइल को 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ जो आपको मिलेगा वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है तो पासवर्ड 300 वाइड होगा। पहले से में 2 लाट होंगे, दूसरे से में 2 लाट होंगे और तीसरे से में 2 लाट होंगे, तो टोटल 6 डिजिट का पासवर्ड होगा। पहले से के जो 2 लाट रहा मैं वीडियो को पल सेट को रेड सेट पर शो करवा रहा हूँ, बाकी के पासवर्ड के 4 लाट रहा आपको आगे किसी भी समय शो हो जाएंगे या किसी भी पार्ट में शो हो जाएंगे। तो काइंडली अपने वीडियो को स्किप करके देखना, फुल वॉच करना ताकि आपको पासवर्ड का पता चल सके और आप इस तरह के हर टाइप के कलर ग्रेडिंग के प्रीसेट यूज करके जिस क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आपने काइंडली जाकर उसको ज्वाइन करना। वहाँ मैं प्रीसेट के बारे में रोज न्यू अपडेट देता हूँ। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना, आज के जो प्रीसेट है ये मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइटरूम एप्लीकेशन में कैसे इनको इंपोर्ट करेंगे और कैसे लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके आप अपनी फोटो को जस्ट वन क्लिक में किसी भी कलर टोन में एडिट कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले प्रीसेट यूज करके अपनी फोटो को जस्ट वन क्लिक में एडिट कर सके। तो चलता हूं बताता हूं ये प्रीसेट आप कैसे यूज करेंगे, कैसे इनको लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट करेंगे और कैसे लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके आप अपनी फोटो को जस्ट वन क्लिक में एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इस पेज पे आपने ऊपर सर्च कर लेना जेड अचीवर। सर्च करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को करना डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको ओपन करना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। तो आपने अपनी प्रीसेट वाली जिप फाइल ढूंढ लेनी है, टॉप 300-350 प्लस प्रीसेट जो आपको मिलेगी फाइल, तो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आएगी। सिंपली आपने डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। जब आपको वो फाइल मिल गई, आपने उस फाइल पे जब क्लिक करना है तो आपके पास इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगी, एक्सट्रैक्ट हर पे आपने क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगी। तो आपने जो वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिलेगा वो पासवर्ड लगा के आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो वो आपके पास एक प्रीसेट वाला फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपने प्रीसेट किस तरह इंपोर्ट करने, तो आपने क्या करना, लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद एक पिक को आपने कर लेना सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास लाइटरूम एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड देन लाइटरूम एप्लीकेशन में नीचे वाली साइड को काफ़ी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्रीसेट्स की, आपको कहीं भी प्रीसेट्स मिले आपने उस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगी, रिकमेंडेड, प्रीमियम और यूआर। तो यूआर वाली ऑप्शन को करना है सेलेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी प्रीसेट या फिल्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो प्रीसेट इंपोर्ट करने के लिए आपने ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। जब आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगी, क्रिएट प्रीसेट, मैनेज प्रीसेट्स और इंपोर्ट प्रीसेट। तो यहाँ से सिंपली आपने इंपोर्ट प्रीसेट्स पे यहाँ से आपने कर देना क्लिक। तो जब आप इंपोर्ट प्रीसेट्स पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ आपके पास कोई भी चीज़ ओपन होती है, आपने किसी भी इंटरफेस को टच नहीं करना ना ओपन करना। तो प्रीसेट इंपोर्ट करने के लिए आपने ऊपर पहले 3 लाइंस पर क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से रीसेट में आपका फोल्डर किसी भी चीज़ में ओपन है, आपने किसी भी फोल्डर को टच नहीं करना ना ओपन करना है। यहाँ से आपने ये वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है, ये वाला। इसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल मैनेजर है वो प्रॉपर तरीके से आपके पास ओपन होगा। तो यहाँ से आपने अपनी प्रीसेट वाली जिप फाइल ढूंढ लेनी है, जो मेरी पड़ी हुई है डाउनलोड वाले फोल्डर में, आपकी डाउनलोड वाले फोल्डर में आएगी। तो यहाँ से जब आपके पास एक्सट्रैक्ट होगी ये फाइल इस टाइप से आ जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ मेंशन करके, ये इस टाइप से आ जाएगी जब आपसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपने इस फाइल पर करना है क्लिक। तो आपके पास इस तरह जो जब सारे प्रीसेट ओपन हो जाएंगे तो आप इस तरह के जो है अपने जो प्रीसेट इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से मेरा बैक हो गया तो यहाँ से मैं एक दफ़ा चला जाता हूँ फिर उधर। तो यहाँ से आपने क्या करना, एक प्रीसेट पे करना लॉन्ग प्रेस, उसके बाद आपने ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल कर देना। उसके बाद आज जिससे पूरी की पूरी फाइल आपके लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने सेलेक्ट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ से हमारे जो प्रीसेट है वो लाइटरूम एप्लीकेशन में प्रोग्रेस में चले जाएंगे। अगर यहाँ आपके प्रीसेट लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट नहीं हो रहे, आपके पास कोई इशू आ रहा है या आपके पास कोई और एरर आ रहा, तो आपने क्या करना, अगर आपके पहले से कोई भी लाइटरूम एप्लीकेशन में प्रीसेट इंपोर्ट पर नहीं, तो पहले आपको उनको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपने ये वाला प्रीसेट दोबारा इंपोर्ट करना है, आपका जो प्रीसेट इजिली आपके लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे लाइटरूम एप्लीकेशन में प्रीसेट इंपोर्ट होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ से हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो प्रीसेट है वो लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस फोल्डर में 3 प्रीसेट पड़े हैं, 79 में, 39 में। आप जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे ये आपके पास सारे जो प्रीसेट है एक बार में आपके लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको ओपन करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस टाइप की कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं। जिस तरह की आप चाहते हैं कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक में। तो यहाँ से इसको भी मैं ओपन करके आपको चेक करवा देता हूँ। इस तरह के आप प्रीसेट यूज़ करके जस्ट वन क्लिक में अपनी फोटो को किसी भी कलर टोन में एडिट कर सकते हैं, वो भी जस्ट वन क्लिक में।
तो आपको अगर आप पेड प्रीसेट यूज़ करना चाहते हैं, पेड यूज़ करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आकर मुझसे पेड प्रीसेट ले भी सकते हैं, अपनी फोटो एडिटिंग भी करवा सकते हैं और अपने नाम के भी प्रीसेट बनवा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप सबसे पहले प्रीसेट इस तरह के यूज़ करके अपनी फोटो को जस्ट वन क्लिक में एडिट कर सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो को लिए इतने, तो अल्लाह हाफिज़।